बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी फाउंडेशन स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? दिस इज योर न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडी फॉर पाकिस्तान, फोर्थ एडिशन फॉर क्लास 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 8, पीपल एंड वर्क, लोग और उनका काम। ओके स्टूडेंट, हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन। देयर आर ओवर 207 मिलियन पीपल इन अवर कंट्री। हु आर दीज पीपल एंड व्हाट डू दे डू, वेयर डू दे लिव एंड हाउ डू दे अर्न देयर लिविंग। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ पीपल इन अ सिटी एंड होल कंट्री। हमारे मुल्क में 207 मिलियन से ज्यादा अफराद हैं। ये लोग कौन हैं और क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कैसे कमाते हैं। हम किसी शहर और पूरे मुल्क में लोगों की तादाद को कैसे जान सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट दे डू। आइए पाकिस्तान के लोगों के बारे में और वो क्या करते हैं इनके बारे में जानते हैं। वी कैन फाइंड आउट about people living in a country by conducting a census. Usually a census is carried out every 10 years. हम मर्दुम शुमारी करवा कर किसी मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में मालूम कर सकते हैं। आमतौर पर हर 10 साल बाद मर्दुम शुमारी की जाती है। During a census, information about people is collected. We get to know how many people live in a place, their ages, occupation, religion and other details about the population. Such information is called data or statistics. मर्दमशुमारी के दौरान मालूमात जमा की जाती है। इससे ये मालूम होता है कि कितने लोग किस जगह पर रहते हैं और इनकी उम्र, पेशे, मजहब और दूसरी मालूमात मिलती हैं। आबादी के बारे में मालूम किया जाता है। इस तरह की मालूमात को डेटा और एदादोशुमार कहते हैं। वी कैन फाइंड आउट हाउ लार्ज फैमिलीज आर, व्हाट लैंग्वेजेस पीपल कैन स्पीक एंड वेदर पीपल कैन रीड एंड राइट। ऑल दीज इंफॉर्मेशन हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल्स, अ सेंसस मे टेल अस that there are millions of babies in the country. With this information, the government knows that more school will be needed in a few years time. हम ये जान सकते हैं कि कितने बड़े खानदान हैं, लोग कौन सी languages बोल सकते हैं और क्या लोग लिखना पढ़ना जानते हैं। ये तमाम मालूमात हकूमत को बहुत सी चीजों का फैसला करने में मदद देती हैं। मिसाल के तौर पर एक मर्दमशुमारी हमें बता सकती है कि लाखों बच्चे हैं। इस मालूमात से हकूमत जानती है कि चंद सालों में मजीद स्कूल्स की जरूरत होगी। दिस चार्ट शोज द एस्टिमेटेड फिगर्स एज वाइज ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, सोर्स यूएन डेटा। इस चार्ट में पाकिस्तान की आबादी के एस्टिमेटेड फिगर को उम्र के हिसाब से इक़वामे मुत्तहदा के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डाटा दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चार्ट दिया गया है आपको जिसमें 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम पॉपुलेशन, सेकंड कॉलम है हमारे पास एज ग्रुप, थर्ड कॉलम है परसेंटेज। सबसे पहले चिल्ड्रन, एज ग्रुप 0 to 14 ईयर्स। पाकिस्तान में जो चिल्ड्रन है 14 ईयर्स, परसेंटेज 36.7%। एडल्ट्स, एज ग्रुप 15 to 64 ईयर्स, परसेंटेज 59.1%। पाकिस्तान में जो एडल्ट हैं वो 15 ईयर्स से 64 ईयर्स तक, इनकी परसेंटेज है हमारे पास 59.1। सीनियर सिटीजन एज ग्रुप 64 ईयर्स एंड ओवर, 64 ईयर्स या इससे ज्यादा, और परसेंटेज है 4.2%। इस चार्ट को आप गौर से देखें, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है आपको। यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है चिल्ड्रन को,
हमारे मुल्क में चिल्ड्रन की तादाद ज्यादा है, 0 से 14 ईयर्स। इसके बाद येलो कलर एडल्ट्स को शो कर रहा है 15 to 64 ईयर्स। पर्पल कलर सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्हें शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, इस चार्ट को देख के हम ये जान सकते हैं कि इस चार्ट में हमें पता चलता है कि अगले 5 सालों तक कितने स्कूल्स की जरूरत होगी, कितने लोग काम करने के लिए मनी कमाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सी लार्ज फैमिलीज हैं और बहुत सी स्मॉल फैमिलीज हैं, और सबको कमाने के लिए काम की जरूरत होती है। सेंसस आल्सो टेल अस हाउ मेनी पीपल लिव इन द सिटीज अर्बन पॉपुलेशन एंड हाउ मेनी लिव इन द कंट्री साइड रूरल पॉपुलेशंस। एक मर्दुमशुमारी ये भी बताती है कि कितने लोग सिटीज अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी आबादी में रहते हैं और कितने लोग देही इलाकों में रूरल पॉपुलेशन मीन्स देही आबादी में रहते हैं। दिस पाई चार्ट शोज अस दिस फिगर। ये पाई चार्ट हमें ये इदादोशुमार दिखाता है। इस पाई चार्ट को आप गौर से देखें, रूरल पॉपुलेशन हमारे पास है 64%, अर्बन पॉपुलेशन हमारे पास है 36%। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास देहातों में आबादी ज्यादा है। वर्क में काम, ज्यादातर पाकिस्तान में लोग विलेजेस देहातों में रहते हैं और स्मॉल टाउन्स कुछ छोटे कस्बों में रहते हैं, वो जमीन पर काम करके रोजी कमाते हैं। इन द लार्ज टाउन्स एंड सिटीज देयर आर फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, देयर आर मेनी जॉब्स और प्रोफेशंस फॉर पीपल टू चूज फ्रॉम। पीपल लिविंग हियर वर्क एज डॉक्टर, ट्रेडर्स, इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, ड्राइवर्स, बैंकर्स, मैकेनिक्स एंड इन हंड्रेड्स ऑफ अदर प्रोफेशंस। मेनी पीपल हैव देयर ओन बिजनेस एंड एंजॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर। यहाँ बड़े कस्बों और शहरों में फैक्ट्रीज और ऑफिसेज हैं। यहाँ लोगों के इंतखाब के लिए बहुत सी जॉब्स और प्रोफेशंस हैं। यहाँ रहने वाले अफराद डॉक्टर, ताजिर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, ड्राइवर्स, बैंकर्स, मैकेनिक्स और बहुत से दूसरे पेशों में काम करते हैं। बहुत से लोगों के अपने बिजनेस हैं और एम्प्लॉयज हजारों वर्कर्स हैं। यहाँ बहुत से लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कोई हुनर नहीं होता है, उन्हें काम तलाश करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ स्किल्स हैं, ये हुनरमंद हैं। इनमें से ये कारपेंटर है, कुछ लेबरर्स हैं जो रोड पर काम कर रहे हैं, क्लीनर, ये आप देख सकते हैं। सर्विसेज खिदमात, द गवर्नमेंट हैज मैनी डिपार्टमेंट टू हेल्प द पब्लिक, दीज आर कॉल्ड सर्विसेज। स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, बैंक एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूशन आर रन बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द पब्लिक। द गवर्नमेंट आल्सो रन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्ट रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। हुकूमत के पास आवाम की मदद के लिए बहुत से महकमे मौजूद हैं, इन्हें खिदमात कहा जाता है। स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल और क्लिनिक्स, बैंक और बहुत से दूसरे इदारे आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत चला रही है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट, नकलो हमल की खिदमत भी चला रही है और सड़कें, नहरें, पुल और इमारतें भी तामीर करती है। ये आप देख सकते हैं, आ गार्बेज डिस्पोजल टीम, मशीन्स एंड वर्कर्स। मोस्ट ऑफ आवर फैक्ट्रीज यूज मशीन टू मैन्युफैक्चर मेक थिंग्स। वी मेक Some of these machine in our own country. We also import specialized machinery from other countries. हमारी ज्यादातर factories चीजें बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल करती हैं। हम machines को अपने ही मुल्क में बनाते हैं, हम दूसरे ममालिक से भी खसूसी मशीनरी दरामद करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, worker in a factory, ये एक factory है जिसमें बहुत सी मशीनरी यूज की जा रही है और यहाँ पर बहुत से वर्कर्स हैं जो काम कर रही हैं। किसी भी मशीन को चलाने के लिए वर्कर्स की जरूरत होती है, वर्कर्स ये काम सीखने के बाद करते हैं। इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील,
Most of the heavy machines which are used in factories and many of the things we use every day are made from iron and steel. ज्यादातर हमारी मशीन जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होती हैं और बहुत सी चीजें जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो आयरन और स्टील से बनती हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स कराची, ये पाकिस्तान की स्टील मिल्स कराची में है, आप देख सकते हैं। एंड ऑटो असेंबली प्लांट, फर्टिलाइजर केमिकल्स एंड सीमेंट, फर्टिलाइजर्स आर यूज इन एग्रीकल्चर, दीज आर प्रोड्यूस इन फैसलाबाद, दाउदखेल एंड जनावाला, केमिकल्स आर नीडेड टू मेक सॉप पेपर, टेक्सटाइल एंड अदर गुड्स, वी हैव अ नंबर ऑफ केमिकल फैक्ट्रीज, सीमेंट इज प्रोड्यूस इन सेवरल फैक्ट्रीज इन द कंट्री। फर्टिलाइजर्स खास जरात में इस्तेमाल की जाती है, ये फैसलाबाद, दाउदखेल और जनावाला में तैयार की जाती है। साबुन, कागज, टेक्सटाइल और दीगर सामान बनाने के लिए केमिकल्स की जरूरत होती है। हमारे पास मुतअद्दिद कीमियाई फैक्ट्रीज मौजूद हैं। मुल्क में कई फैक्ट्रीज हैं जिनमें सीमेंट की पैदावार होती है। ये आप देख सकते हैं, आप फर्टिलाइजर प्लांट और टेक्सटाइल मिल, ये एक टेक्सटाइल मिल है। टेक्सटाइल्स, द बिगेस्ट इंडस्ट्री इज दैट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट, यार्न, टेक्सटाइल, कैनवस, टॉवलिंग एंड क्लॉथिंग। There are over 70 factories that produce woolen goods. We also have a large art silk industries. सबसे बड़ी सनत सूती टेक्सटाइल, कैनवस, तोलिया और कपड़े की है। यहाँ 70 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जो उन्हीं सामान तैयार करती हैं। हमारे पास आर्ट सिल्क, रेशम की बड़ी सनत भी है। अदर इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान प्रोड्यूसेस शुगर, वेजिटेबल घी, कुकिंग ऑयल एंड सोप एक्सेट्रा। देयर आर मेनी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन दीज स्मॉल यूनिट इंक्लूड स्पोर्ट गुड्स, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, फुटवेयर, कारपेट एंड क्लोथ्स। पाकिस्तान चीनी, वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल और साबुन वगैरह तैयार करता है। बहुत सी छोटी छोटी सनअतें हैं जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। इन स्मॉल यूनिट में जो सामान तैयार होता है इसमें खेलों का सामान, फर्नीचर, दस्तकारी, बर्तन, एम्ब्रॉयडरी, मट्टी के बर्तन, फुटवेयर, कारपेट और कपड़े शामिल हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बुक वर्क एक्सरसाइज ए। व्हाट आर टेक अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स वंस। जो स्टेटमेंट ठीक है उनके आगे हमें टिक लगाना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। नंबर वन, देयर आर अबाउट 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। रॉन्ग है, क्रॉस लगाए। नंबर टू, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज कलेक्टेड ड्यूरिंग अ सेंसस। लोगों के बारे में मालूमात मर्दमशुमारी के दौरान मालूम होती है, करेक्ट है, टिक लगाए। नंबर थ्री, मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान लिव इन सिटीज। रॉन्ग है, क्रॉस लगाए। नंबर फोर, सम पीपल इन द कंट्री हैव नो वर्क टू डू। क्रॉस लगाए। नंबर फाइव, एवरी जॉब हैज अ वैल्यू। हर जॉब की एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक है, इस पे टिक लगाए। एक्सरसाइज बी, कंप्लीट दिस पजल्स, हिंट ऑल द वर्ड्स आर नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। यहाँ पर जो आपको पजल्स दिया गया है इसे आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे जितने भी पजल्स हैं सब प्रोफेशंस के नेम हैं। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं जिनको आप देख के इस पजल्स को फिल कर सकते हैं। नंबर वन, मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड, लकड़ी से चीज़ें बनाते हैं, कारपेंटर। नंबर टू, पेंट पिक्चर, पिक्चर्स पेंट करते हैं, आर्टिस्ट। नंबर थ्री, हेल्प द सिक टू गेट बेटर, बीमारों की मदद करते हैं ठीक होने के लिए, डॉक्टर। नंबर फोर, कुक्स इन अ रेस्टोरेंट, शेफ। लुक आफ्टर पीपल टीथ, डेंटिस्ट। नंबर सिक्स, डिलीवर्स लेटर्स, पोस्टमैन। नंबर सेवन, डील्स विद कैश इन अ बैंक, कैशियर। नंबर एट, फ्लाइज प्लेन, पायलट। नंबर नाइन, एक्ट और परफॉर्म इन अ प्ले, एक्टर। नंबर टेन, पेंट्स हाउसेस और पिक्चर्स, पेंटर। नंबर 11, वर्क इन अ हॉस्पिटल,
नर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस तरीके से फिल करेंगे। नंबर वन कारपेंटर, नंबर टू आर्टिस्ट, नंबर थ्री डॉक्टर, नंबर फोर शेफ, नंबर फाइव डेंटिस्ट, नंबर सिक्स पोस्टमैन, नंबर सेवन कैशियर, नंबर एट पायलट, नंबर नाइन एक्टर, नंबर टेन पेंटर, नंबर इलेवन नर्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉपी वर्क। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड टर्म वीकली होमवर्क असाइनमेंट 16 क्लास 4 सोशल स्टडीज। टास्क नंबर 1 रीड यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 पीपल एंड वर्क एंड मेक अ टाइटल पेज। नंबर 2 राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 5 बुक वर्क। नंबर 6 एक्टिविटी। टास्क नंबर 1 read unit number 2 chapter number 8 people and work and make a title page। आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और टाइटल पेज बनाएंगे। यूनिट नंबर 2 सिटीजनशिप, लेसन नंबर 8 पीपल एंड वर्क, डेट मेंशन करेंगे। टास्क नंबर 2 राइट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग लिखने हैं आपको। नेक्स्ट पेज तैयार करेंगे, वर्ड्स मीनिंग के लिए कॉलम बनाएंगे। नंबर 1 पॉपुलेशन आबादी, सेंसस मर्दमशुमारी, सर्विसेज खिदमात, स्किल्ड हुनरमंद, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम, सोर्स जरिया हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी पोट्री मट्टी के बर्तन, ऑक्यूपेशन पेशे इंडस्ट्रीज सनतें। टास्क नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 A census is carried out every dash year, dash में लिखेंगे 10। Number 2, the government has many dash to help the public, dash में लिखेंगे departments। Number 3, most of our factories use machine to dash think, dash में लिखेंगे manufacture। Number 4, the largest iron and steel plant in Pakistan is in dash, dash में लिखेंगे Karachi। नंबर 5 फर्टिलाइजर्स आर यूज इन डैश, डैश में लिखेंगे एग्रीकल्चर। टास्क नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हाउ डज द गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। द आंसर इज द गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द पॉपुलेशन इन द कंट्री बाय होल्डिंग सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 Why do we need to know the details about the country's population? The answer is, we need to know the details about how many people live in place, their ages, occupation, religion and information about the population. Question number 3 is, what is the importance of education and training for the people? The answer is, education and training is important for the people to find jobs for themselves. Question number 4. What are some of the problem caused by overpopulation? The answer is, if a country is overpopulated, it leads to many problems such as lack of school, hospital, housing, job and food security. Question number 5. Make a list of the services provided by the government. The answer is, the government makes schools, hospitals, colleges, bank and construct the road, canals and bridges to serve the public. Task number 5 and 6. Task number 5, bookwork exercise A and B, page number 64. Exercise A and B, page number 64, done in book. Ye hum book mein kar chuke hain. Next activity, task number 6. Draw a pie chart to show how many people live in the urban population and the rural population. आपको एक पाई चार्ट बनाना है जिसमें आपको बताना है कि कितने लोग जो है अर्बन पॉपुलेशन में रहते हैं और कितने लोग जो है रूरल पॉपुलेशन में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक पाई चार्ट है, ये आपने अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। नेक्स्ट हम इंडेक्स तैयार करेंगे। यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 8 पीपल एंड वर्क, वर्ड्स मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, बुक वर्क, एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका असाइनमेंट नंबर
16 कंप्लीट हुआ, मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से अपना काम मुकम्मल करें। ये आपके स्कूल की वेबसाइट है www.asylearning.pk, यहाँ पर आप अपने होम असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।